السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें, तो कह दीजिए बेशक मैं करीब हूँ मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारे तो इनको चाहिए कि ये मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखे ताकि वो हिदायत पाए So बख्शिश मांगो फिर उसकी तरफ पलट आओ य मेरा रब करीब है कबूल करने वाला हैब्बल आलमीन शरा अलना दीन कबीमा वहदाना सिरातम मुस्तकीमा अल असबा अलना नाहिरतम वबातना वहू अल्लातीफुल अल्लाह मलक हमद कुल्लू व लकल मुलकुल्लू विकल खु कुल्लू व इले कलर कुल्लू साल व खालल की अजमायन व राजकम हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का रब है उसने हमारे लिए दुरुस्त दीन को मुकर किया हमें सीधे रस्ते की रहनमाई की वो जात ज़िसने भरपूर जाहरी और बातनी नेमतों से हम सबको नवाजा वो बहुत मेहरबान और हद दर्जा बाखबर है अल्लाह तेरे ही लिए हर तरह की हमद है सारी बादशाह तेरी है तेरे ही हाथ में हर तरह की खैर है और तेरी ही तरफ हर तरह का मामला लौटता है तू पाकिजा लोगों का रब है नेकोकारों का दोस्त है और तमाम मखलूक का खालिक और उनका राजिक है اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برنامج قريب مجيب میں آج أخلاقي بماريو اخلاقي برائيا سے بچنے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے قران مجید میں سورة الحشر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا क्या राह और वो लोग जो उनके बाद आए वो कहते हैं ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी जो ईमान लाने में हमसे सबकत ले गए और हमारे दिलों में उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कोई कुदूरत न रख ए हमारे रब बेशक तू बहुत शफकत करने वाला निहायत रहम करने वाला है सूरत अलहशर की इन आयात में इंतहाई अहम दुआ का जिक्र किया गया है रब तबारक व ने ये दुआए सहाबा के बाद ताबेन के हक में और क्यामत तक जो लोग भी अच्छे तरीके से उनके पैरोकार हैं उन मुखलिस अहले ईमान के हक में बयान की हैं। ये वो दुआए हैं जिनमें मोमिनों के आपस के ताल्लुक और एक दूसरे के साथ मामलात और एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक के बरतने की ताकद मिलती है की वो आपस में किस तरह बाहमी मुहबत रखते है और एक दूसरे से किस तरह इस्लामी अखवत का मुजाहरा करते हैं कि वो एक दूसरे के हकूक भी अदा करते हैं और उसके साथ साथ उनके लिए दुआएं करते हैं और उनके लिए अपने दिलों में किसी किस्म का मैल नहीं रखते और यही ईमान की अलामत है न सिर्फ ये कि जिंदगी में उनके हक में दुआएं करते हैं बल्कि उनके मरने के बाद भी और सदियों बाद भी उनके लिए दुआएं करते रहते हैं इससे पिछली आयत में अल्लाह सुबहान ताला ने पहले महाजरीन की तारीफ की और फरमाया अल्लाखरिजू मिन यब तद लमिन अल्लाह वा वन सुरून अल्लाह व रसूल उलाकून वो लोग जो अपने घरों और अपने मालों से निकाल बाहर किए गए वो अल्लाह की तरफ से फजल और रज़ात तलाश करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं यही लोग है जो सच्चे है तो ये आयत महाजरीन के बारे में नाजिल हुई फिर अल्लाह तला ने उसके बाद अंसार की तारीफ की वल लवी न तब व उद्दार अल ईमान और वो जिन्होंने उनसे पहले इस घर में और ईमान में जगह बना ली है वो उनसे मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनकी तरफ आए हैं हालांकि उनके दरमियान कोई हसब नसब का खूनी रिश्ता किसी किस्म का कोई ताल्लुक इससे पहले न था लेकिन ईमान के रिश्ते की बिना पर अंसार आने वाले महाजरीन से मोहब्बत करते हैं फिर मोमिनों की तीसरी किस्म की बात की गई जो इन दो ग्रोहों के बाद क्यामत तक आते रहेंगे खाबो महाजरीन में से हों या अनसार में से हो ये तीसरा ग्रोह वल्ल नजाऊ मिम्बा दिहम वो लोग जो इनके बाद आए यानी अंसार महाजरीन के बाद आए वो क्या कहते हैं यानी उनमें हम लोग भी शामिल हो सकते हैं अगर हम अंसारहाजरीन की पैरवी करने वाले हैं और उन्हीं की तरह ईमान लाने वाले और ऐसा ही अखलाक अपनाने वाले हैं वो क्या कहते हैं यकूलु न रब ना वाली अखवान नदीना सबकू न बिल ईमान क्या हमारे रब हमें भी बख्श दे और हमारे उन सब भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान में सबकत ले गए यानी हमसे पहले की जितनी भी जनरेशन हैं, उनमें जितने भी ईमान वाले गुजरे हैं, उन सब की बख्शिश फरमा दे वाला मनु कितनी खूबसूरत दुआ है की हमारे रब हमारे दिलों में उन लोगों के लिए किसी किस्म की कोई कुदूरत ना हो जो ईमान वाले चाहे वो पहले गुजरे चाहे वो आज हैं तो इससे पता चलता है कि एक मोमिन का मोमिन के साथ ताल्लुक कैसा होता है रिश्ता कैसा होता है कि उसके दिल में उसके लिए बुराई नहीं होती कुदूरत नहीं होती नफरत नहीं होती कीना नहीं होता बोझ नहीं होता बल्कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और साफ दिल रखते हैं। रबना इन न रहीम ए हमारे रब बेशक तू बहुत ही शफकत करने वाला बड़ा ही रहम फरमाने वाला है तो यहाँ पर ईमान वालों के तीन ग्रोहों का जिक्र है कुछ वो हैं जो अपना ईमान बचाने के लिए अपने घर बार अपने कारोबार अपनी तिजारत अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और कुछ वो हैं जो आने वालों को पनाह देते हैं और दीन के मददगार बनते हैं और फिर तीसरी कैटेगरी के, के लोग वो हैं जो इनकी पैरवी करते हैं ये सब लोग हमारी दुआओं के मुस्तह है हमें अपने दीन और ईमान के रिश्ते में बंधे हुए साथियों के लिए दुआ करनी चाहिए किस चीज की दुआ बख्शिश की दुआ अपने लिए भी और उनके लिए भी और फिर आप देखें कि यहाँ पर ये जो बात की गई ना अल्लाजीना सबकू न इसमें जमानी सबकत भी है और मानवी सबकत भी है यानी जो हमसे पहले के जमाने में ईमान ले आए जो ईमान लाने में हमसे पहल कर गए जो पहले से ही ईमान ला चुके और दूसरी मानवी सबकत भी है यानि जिनका ईमान हमसे सबकत ले गया है और ये एक हकीकत है कि हमारा ईमान सहाबा जैसा तो नहीं है ताबईन जैसा तो नहीं है पहली जनरेशन जैसा तो नहीं है यानी वो सब लोग जो ईमान में हमसे आगे हैं दुनियावी एतबार से अगर कोई शख्स आपसे आगे निकल जाए तो आप उसके लिए कैसे जज्बात रखते हैं यानी अगर किसी का बिजनेस आपसे ज्यादा फ्लरिश कर जाए आपसे एजुकेशन में आगे बढ़ जाए या उसको कुछ दुनिया की नेमत मिल जाए तो अमूमन लोग एक दूसरे से हसद करने लगते हैं हत्या के बादओत ये भी देखा गया कि अगर कोई दीन में भी हमसे आगे निकल जाए तो जैसे आप देखें यहूद ने नबी वसल्लम से हसद कर लिया था कि आपको क्यों नबूबत दी गई हमें क्यों नहीं दी गई लेकिन ये अहले ईमान ऐसे हैं कि वो हसद नहीं रखते कोई को नहीं रखते इसलिए दुआ करते है और फिर दुआ भी करते है कि हमारे दिलों में कभी कोई मैल आए ही ना और ये उसी सूरत में हो सकता है जब इंसान अखलाक के आला दर्जे पर हो और अच्छे अखलाक की बुनियाद ईमान ही हुआ करता है जितना जितना ईमान स्ट्रांग होगा जितना जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही इंसान का अखलाक भी अच्छा होगा क्योंकि तकवा के बगैर खौफ खुदा के बगैर इंसान किसी के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता क्योंकि इंसान को इंसान से कुछ न कुछ शिकायत हो जाती है साहबा के दरम्यान भी आपस में इख्तिलाफ हुए लेकिन जहाँ दीन और ईमान की बात आई वहाँ वो एक दूसरे के लिए बेहतरीन मददगार थे और जिस शख्स को ये एहसास हो की मुझ पर रब निगरानी कर रहा है मेरा रब मुझे देख रहा है वो फिर सिर्फ अपने जाहिर की हिफाजत नहीं करता वो अपने बातिन की भी हिफाजत करता है उसकी तवज्जो अपने दिल पर भी होती है की मेरे दिल की असलाह हो क्यूँके अखलास का अपोजिट मुनाफ्त होती है अगर आप अंदर से खालिश खालिस का मतलब तो साफ अगर अंदर से आप साफ नहीं है और सिर्फ जबान से एक कारोबारी किस्म का अखलाक जाहिर करते हैं जैसे आप देखें कि आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो जरूरी तो नहीं कि वो आपसे खुश होते हैं लेकिन किस तरह स्माइल करके मिलते है और वो हमेशा कहते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट चाहे आप कितनी नुख्ताचीनी कर रहे हो या गलत बातें भी कर रहे हो लेकिन वो अखलाक क्या है कारोबारी अखलाक है एक तजारती अखलाक है जिसमें उन्हें अपना कुछ प्रोडक्ट सेल करना है क्योंकि अगर आप उनसे नाराज हो गए तो कुछ खरीदेंगे नहीं पहले ईमान का अखलाक सिर्फ ज़ाहरी और कारोबारी अखलाक नहीं होता बल्कि उसकी रूट बहुत डीप होती है और ईमान की बुनियाद पर सच्चा प्यार सच्चा खलूस सच्ची मोहब्बत सच्ची हमदर्दी होती है कि जिसमे वो सिर्फ जाहिर नहीं अपने दिल को भी चमकाता रहता है अपने दिल के अंदर भी दूसरों के खिलाफ कोई बुक्स को मैल नहीं रखता और इसी की वो दुआ भी करता है कि हमारे अंदर किसी किस्म का कोई कीना या दुश्मनी बाकी न रहे और इसमें आप देखिए कि उसके लिए दुआ करना जिसका आप पर एहसान हो जिससे आपका ताल्लुक हो जिससे आपकी रिश्तेदारी हो वो तो आसान होता है लेकिन उन लोगों के लिए दुआ करना जिनके नाम तक हमें नहीं आते जिनकी रंग नस्ल जबान भी हमें नहीं मालूम उन सब के लिए दुआ करना ये कितने बड़े अखलाक की बात है ये मामूली बात नहीं है यानी अमूमन हम दुआओं में उन लोगों को याद रखते हैं कि जिनके साथ हमारा जितना गहरा ताल्लुक होता है और हम उनके लिए खैर चाहते हैं जो अपने लिए चाहते हैं वही हम उनके लिए चाहते हैं लेकिन उन लोगों के लिए दुआ करना जिनको हम जानते भी ना हो सिर्फ एक ही पहचान हो दीन की और ईमान की वो ईमान के रिश्ते में हमारे साथ ही हम एक रब को मानने वाले है आखरत को मानने वाले है एक दीन को मानने वाले एक किताब को मानने वाले है इस बिना पर हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं और इसकी अमली मिसाल आज भी आप देख सकते हैं अगर आप हरा में मक्की में हो या हरा में मदनी में हो मुझे रिसेंटली इतफाक हुआ मदीना की मस्जिद में बैठी हुई थी थर्सडे का दिन था थर्सडे को आमतौर पर लोग रोजा रखते हैं वहां पर और इफ्तार भी मस्जिद के अंदर ही करते हैं कोविड से पहले तो वो सुफरा लगता था दस्तरखान बिछते थे और एक तरह से एक फेस्टिव एटमोस्फेयर क्रिएट हो जाता था लेकिन अब सिर्फ पैकेट्स में चीजें दे देते हैं हर एक को तो मैं देख रही थी कि मेरी आगे बैठी हुई खातून जो थी बिल्कुल सीधी सादी सी और नहीं पता कि किस मुल्क से थी शक्ल भी रंग हर चीज बहुत मुख्तलिफ थी जो ही इफ्तार का टाइम करीब आया उसके पास थोड़ी सी इतनी सी खजूरें होंगी उसे सबको बांटना शुरू कर दी और इसरार के साथ सबको देना शुरू कर दी कि जिसको जानते और जिसको नहीं जानते ये शेयरिंग कौन कर सकता है और ये शेयरिंग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर ही हो सकती है फिर ये इसरार के आप खा लो आप ले लो और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब उसके पास थोड़ी सी बच गई तो उसने पीछे वाली एक और खातून को जबरदस्ती उसके आगे मसले पे रख दी कि अब ये तुम्हारी है हु? तो हकीकत यह है कि जब इंसान अल्लाह के लिए कुछ करता है तो फिर हर तरह की चीजों से ऊपर उठ के करता है मेरे साथ कौन क्या करता है वो इसको नहीं देखता कौन मुझे देता है कौन नहीं देता कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है। वो अपने रवैये को लोगों के रवैये के ताबे नहीं करता बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर खैर और भलाई करता है उसके साथ भी जिसको वो जानता है और उसके साथ भी जिसको वो नहीं जानता और यही आला अखलाक है और इसकी बुनियाद ईमान है और फिर ये तौर पर दुआ की अल्लाह हमारे दिल के अंदर कभी गिल ही ना आए गिल कहते हैं पोशीदा दुश्मनी को यानी ऊपर से ठीक रहना लेकिन अंदर कुछ दुश्मनी की ना पाल के रखना गलूल कहते है ना खयानत करने को तो ये दिल की खयानत होती है बाहिर आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, बाहर आप तारीफ खुश आमद कर रहे हैं, बाहिर आप दूसरे के साथ अच्छा कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, अच्छे अखलाक से पेश आ रहे लेकिन अंदर आपकी नफरत भरी हुई है या कोई हसद, नफरत ना भी सही तो हसद है अंदर से आप उस शख्स के साथ खुश नहीं है लेकिन किसी जाति मफाद की वजह से ये किसी फायदे की खातिर आप उसके साथ अच्छा कर रहे है तो ये दरअसल दिल की बीमारी है ये अखलाक बीमारी है ये अखलाकी बुराई है दुनिया के किसी अखलाक के कानून में कोई आपसे ये तकाजा नहीं करेगा कि आप अपने दिल को भी अच्छा रखें दूसरे के लिए वो आपको ये तरीके तो सिखाएंगे कि बाहिर अच्छे अखलाक की अलामतें क्या होती हैं और आपको क्या कुछ करना है लेकिन ये नहीं कोई बताएगा कि दिल के अंदर भी कुछ नहीं रखना जो कि लोग नहीं देखते जो सिर्फ आप खुद देखते हैं आपका रब देखता है लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि दिल के अंदर कभी कोई मैल आता ही नहीं या कभी किसी से कोई शिकायत होती ही नहीं या होनी ही नहीं चाहिए ऐसा नहीं है हम इंसान हैं हम कमजोर हैं हमें दूसरों के रवैये मुतासर करते हैं बाजूकत दूसरों की खामोशी मुतासर कर जाती है बाजूकत अगर कोई हमारी बात का जवाब नहीं देता रिप्लाई नहीं करता तो हमें वो चीज भी बादर करती है बाजूकत किसी की कोई बात जो उसने किसी बुरी नीयत से नहीं की होती लेकिन आपको चुप जाती है आप ओवर थिंक कर जाते हैं किसी चीज के साथ उसको रिलेट करके आप बुरा मान जाते हैं या दिल में शिकायत पाल लेते हैं तो ये चीज बहुत ही नेचुरल सी है बशरी तकाजा जिसको कहते हैं ये बशरी तकाजा है कि दिल में कुछ ना कुछ शैतान वसवसा डाल देता है कोई ख्याल डाल देता है कोई बात ऐसी आ जाती है लेकिन उसको वहीं तक रहना चाहिए उसका असर इंसान के रवैये पर अखलाक पर गुफ्तू पर मामला पर नहीं पड़ना चाहिए और फिर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वला जालफी कुलू बिना गिल्लना अमन अल्लाह ईमान वालों के लिए जो हमारे दीनी बहन भाई हैं उनके लिए हमारे दिल में कोई मैल बाकी न रखना आई ना ठहरे ना यानी शैतान तो बस वैसे डालता है शैतान तो आपको अल्लाह ताला के बारे में रसूल के बारे में दीन के बारे में बहुत से बसो वस डालता है तो शैतान तो कभी छोड़ेगा ही नहीं आपको आप उस शख्स के बारे में भी कोई बुरा सोच रहे कि जो आपके लिए इंतहाई खैर खा या आपके लिए इंतहा मोहब्बत करने वाला है यानी वो तो कोई ना कोई बदगुमानी आपके दिल में डालेगा लेकिन करने का काम क्या है की इंसान उसको ठहरने न दे और कभी भी किसी से कोई शिकायत हो तो उसका कोई एहसान याद कर ले उसकी को खूबी याद कर ले और इससे इंसान की अपनी सेहत ही बेहतर रहती है क्योंकि इंसान की खुशी का दारो मदार उसके दिल की हालत पर होता है अगर दिल सुकून में हो दिल के अंदर खुशी हो तो इंसान के रवैये में भी और मामला में भी अच्छापन आ जाता है हम सब जानते हैं कि अबू बकर रजिया के दिल में हजरत मिस्ताह के खिलाफ उस वक्त नाराजगी आ गई थी कि जब उन्हें पता चला कि उन्होंने आपकी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाया और आपने कसम खा ली कि आज के बाद में मिस्ताह की मदद नहीं करूँगा

क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे और अल्लाह बेहद बख्शने वाला मेहरबान है यानी कि अपने लिए तुम क्या चाहते हो हम में से हर शख्स अपने लिए क्या चाहता है और तुम में से कोई शख्स मुमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए बोना चाहे जो वो अपने लिए चाहता है हम यही चाहते है की अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो दूसरा हमें माफ कर दे नाराजगी छोड़ दे तो इसी तरह हमें भी नाराजगी को लम्बा नहीं करना चाहिए बल्कि उसको छोड़ देना चाहिए और फिर यहाँ अल्लाह तला के दो अजीम नाम बयान हुए हैं रब इन रऊफुर और रहीम के अरब तू तो अपने बंदों के साथ बड़ी ही शफकत और मोहब्बत करता है तू तो बड़ी ही नरमी करने वाला है तू तो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है तो फिर हमें क्या करना चाहिए ये नाम हमें क्या सिखाते हैं कि हमारे अंदर भी दूसरों के लिए शफकत और मेहरबानी का एहसास और जज्बा होना चाहिए ये दुआ जो है ये बहुत जामे दुआ है और इसमें सारे अहले ईमान कवर हो जाते हैं और फिर इस दुआ से हमें ईमान की वैल्यू पता चलती है कि कितना कीमती तोहफा है हमारे लिए कि जिसकी वजह से सारे मुसलमान इन्ना वाल्मनूना इखबा आपस में भाई, भाई भाई बन जाते हैं बाकी सारी पहचान पीछे चली जाती है चाहे वो रंग की हो नस्ल की हो रिश्तों की हो स्टेटस हो दुनिया का कोई भी चीज सब पीछे चला जाता है ईमान सबसे ऊपर आ जाता है और फिर आप देखिए कि जो लोग अपने मोमिन भाइयों के लिए ये दुआएं करते हैं और उनके लिए मोहब्बत और उनके लिए अच्छे जज्बात रखते हैं लेकिन फिर भी दिल के अंदर कुछ रह जाता है तो क्यामत के दिन क्या होगा व नजाना माफी सुदूर हिम मिन गिल तजरी मिन तहत हिम उल अनहार के जन्नत में ले जाने से पहले उस कंतरा के ऊपर दिलों के अंदर से हर तरह की मैल कुछ निकाल दी जाएगी क्योंकि बाज ऐसा होता है कि किसी के रवैये की वजह से तकलीफ पहुंचती है तो वो दुख दिल में रह जाता है ना चाहते हुए भी जैसे हजरत हमजा को वैशी ने शहीद किया था तो नबी वसल्लम के सामने जब वो आया तो आपने फरमाया कि इसको ले जाओ यहाँ से क्योंकि मुझे अपने चचा की शहादत याद आती है तो लेकिन क्या उसके बाद आपने उससे कोई इंतकाम लिया या आपने उसको कुछ सुनाई या उसको कोई डांट डपट की या अपना रवैया उससे खराब किया कुछ भी नहीं बस एक वशी तक के तहत ये कहा कि सामने न आये ताकि मुझे वो वाक्य याद ना आए इस हद तक तो ठीक है और इससे ये बात भी पता चलती है कि अगर किसी ने आपके साथ इस दर्जे की ज्यादा की है तो उस सूरत में इंसान ठीक है बहुत ज्यादा उसके बाद आपस में मेल जोल न रखे कि फिर इंसान बदतमीजी या बदखलाकी पे उतर आए अवॉइड करे सिचुएशन को लेकिन अपने रवैये में कोई बदखलाकी ना इख्तियार करे अपने आप को न गिराए देखिये बदखलाक होना अपने आप को गिराना है जब आप चीख के बोलते हैं जब आप गुस्से में बोलते हैं जब आप डांट के बोलते हैं आप अपनी वैल्यू कम कर रहे होते हैं आपका मकाम गिर रहा होता है बाजु कतम ये समझते हैं ना कि हम किसी के ऊपर धौस जमाएंगे या हम किसी को डांट के बात करेंगे तो हमारी बात ज्यादा सुनी जाएगी इज्जत बचाने के लिए वक्ति तौर पर दूसरा खामोश हो जाता है और आपकी बात सुन लेता है लेकिन उसके दिल में आपकी वो मोहब्बत और कदर नहीं होती आप उसकी निगाहों में गिरते हैं और ये तो इंसान के निगाहों में गिरना है आप अल्लाह की निगाह में कितने गिर जाते हैं जब आप बदखलाकी इख्तियार करते हैं अब यह जन्नत की खूबसूरती यहाँ बयान की गई कि वहां पर कितनी नहरें रही होंगी और वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे और सब कुछ जन्नत ऐसी जगह है कि जहां सबसे जो सुकून और खुशी की बात होगी कि साफ दिल के लोग होंगे सिर्फ वहां पर अगर किसी के दिलों में कोई असरात बाकी है तो वो निकाल दिए जाएंगे हत्या की जन्नत में अगर कोई शख्स अपने बाप या चाचा के कतिल को भी अपने सामने देखेगा वहशी को भी देखेगा तो उसके दिल में कोई तकलीफ नहीं होगी वो सब निकाल दी जा चुकी होगी लेकिन उस मकाम तक पहुँचने के लिए जरूरी है की हम अपने आप के साथ जिदोजहद करते रहे दूसरों की अच्छी बातें याद करे और बुरी बातों को छोड़ कर अपने दिलों को साफ करते रहे और दुआ करती रहे शेख बिन बाज थे तो वो कसरत से ये दुआ करते थे की अल्लाह असलहली कल भी अल्लाह मेरे दिल की इसलाह कर दे क्योंकि सबसे ज्यादा दिल ही बेकाबू होता है दिल ही खराब होता है दिल ही परेशान होता है दिल ही बेचैन होता है दिल ही इस तरह की बातें सोचता रहता है फलाह ने तुम्हारे साथ ये ज्यादा की फुला ने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया फुला ने तुम्हें ये कह दिया फुला ये करता है और कुछ न कुछ बदगुमानी खाम में डालता रहता है तो अगर दिल की इसलाह हो जाए तो इससे ज्यादा इंसान के लिए खैर की बात कुछ नहीं ये दुआ जो है ये बहुत ज्यादा बरकत की हामिल है और इसको दिन रात मांगना चाहिए नहीं, अपनी खास दुआओं में इसको शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि हर मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक है और फिर खास तौर पर बख्शिश की दुआ मांगने का क्योंकि हम सबको बख्शिश चाहिए हम जिस तरह अपने लिए चाहते ना कि हमारी कोई पकड़ ना हो अल्लाह सुबहान ताला की तरफ से हम पर कोई नाराजगी और अजाब ना हो तो हमें बाकी मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी करना चाहिए और सबके सब के लिए और फिर ये कि अल्लाह तला के नामों का एक तरह से वसीला देना कि रबना इन्ना का रूफर नहीं इसमें रब की बात भी है रऊफ की भी है रहीम की भी है और इससे ये बात भी पता चलती है कि अहले ईमान के सीने जो हैं, वो सलामती वाले होते हैं और मोमिन मोमिन से मोहब्बत रखता है खा उसने उसको देखा हुआ ना भी हो और दुआ के आदाब भी पता चलते हैं कि सबसे पहले अपने लिए दुआ करनी चाहिए फिर जो उससे करीब हो और फिर उससे बाद जो लोग हों और फिर इसमें खासतौर पर चूके में जाऊदा की तरफ इशारा है तो हमें साहबा के लिए भी दुआ करनी चाहिए और उनकी ताजीम करनी चाहिए और साहबा से मोहब्बत जो है वाजिब है हमारे लिए और साहबा से बोग रखने वाले लोग और सहाबा से नफरत करने वाले लोग इस दुआ में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो उस दर्जे से नीचे आ जाते हैं और फिर इस आयत से ये भी पता चलता है कि अहले ईमान के तीन दर्जे हैं एक है साबिकून का जो साहबा अंसार और महाजरीन की शक्ल में थे और एक है उसके बाद जो उनके फॉलोवर्स हों और जितनी जितनी ज्यादा फॉलो करेंगे उतने ही सबकत में उनके करीब हो जाएंगे और साहबा ने जितनी कुर्बानियाँ की और खासतौर पर इब्तदाई दौर के साहबा ने उनके बाद आने वाले हती के साहबा भी जो बाद के दौर में मुसलमान हुए वो पहलों के दर्जे को नहीं पहुँच सके जो पहले सबकत ले गए थे ईमान में नबी सला फरमाया तुम वो पहाड़ बराबर भी सोना खर्च कर दो तुम तो उनके मुद या न को भी नहीं पहुंच सकते और आमतौर पर जब ओहत पहाड़ देखा ना हो तो यूं लगता है जैसे वो एक पहाड़ है बस कड़ा है लेकिन जब आप जाते हैं तब हैरान हो जाते हैं कि वो पूरा एक सिलसिला है पहाड़ का एक तवील पहाड़ है रिसेंटली जब मैं ओहत पहाड़ के पास से गुजर रही थी तो मैं साथ साथ थोड़ा सा उसकी पिक्चर्स भी बना रही थी और मैं सोच रही थी कि इतना सोना किसके पास इतना सोना होगा या अल्लाह हम कुछ भी कर लें तो हम हम सहाबा जैसे नहीं हो सकते तो हमें उनकी कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी कुर्बानियों की कितनी कदर करनी चाहिए और ये कदर भी अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि तुम उनके मकाम को नहीं पहुंच सकते लेकिन उनके लिए दुआ करके उनका कुछ हक अदा कर सकते क्योंकि दीन हमें उन्हीं के जरिए पहुंचा है ये उनका एहसान है हम पर अगर वो अपनी जगह पे ना जमते और वो इसकी जिम्मेदारी न उठाते तो अगली नस्लों तक कैसे जाता और आज के प्रोग्राम की मुनासिबत से इस आयत से और इस दुआ से इस बात का अंदाजा होता है कि हमारे अंदर अखलाक का क्या मयार होना चाहिए यानी अखलाक का मयार सिर्फ स्माइल नहीं है सिर्फ सलाम कर लेना नहीं है सिर्फ आराम से बात कर लेना नहीं है अखलाक का मयार दिल का साफ होना है यानी दिल साफ होंगे तो ऊपर की बुराइयां सारी खत्म हो जाएंगी आप देखिए आप किसी पर भी गुस्से में क्यों बोलते है? ऐसे थोड़े होता है कि खाम खां आप किसी पर गुस्सा आपके दिल में कुछ लावा जमा हो चुका होता है यानी आपने किसी की एक बात दिल में रखी उसको नहीं निकाला साफ नहीं किया फिर उसने एक और हरकत कर दी वो भी जमा हो गई फिर एक और फिर एक और जब वो इतना ज्यादा भर जाता है लावा अंदर कि फिर एक वक्त आता है कि फट पड़ता है जब वो फटता है तो फिर कुछ भी कसर नहीं छोड़ता तो अगर आप दूसरों को माफ करते चले जाए वलिया वलियस्फ तो फिर आप देखिये कि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि जहां आप बदखलाकी की انتہا پر اتر आये अल्लाह सुबहान के महबूब बंदों की सिफत क्या है हदीस में आता है बिला शुबा अल्लाह जब मेहरबान है मेहरबानी और बुलंद अखलाक को पसंद करता है और उसके घटियापन से नफरत करता है तो अगर हमारा अखलाक अच्छा नहीं तो हम अल्लाह के महबूब बंदे बन नहीं सकते और अगर, अगर अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं की तो दुनिया में आपने क्या हासिल किया क्या कमाया उसामा कहते हैं कि हम नबी सल्लाम के पास बैठे हुए थे गोया के हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों हम में से कोई भी बातें नहीं कर रहा था सब खामोशी से सुन रहे थे अचानक आपके पास कुछ लोग आए उन्होंने कहा अल्लाह के बंदों में से अल्लाह के नजदीक कौन सबसे ज्यादा महबूब है आपने फरमाया जो सबसे अच्छे, अच्छे अखलाक वाले हैं। कयामत के दिन अच्छे, अच्छे अखलाक वाले सबसे ज्यादा नबी सल्लाह के करीब होंगे मजलिस के अतबार से आप देखिये अगर दुनिया में आप मस्जिद नबी में जाए और रोजा पर आप जाना चाहे और आपको मौका ना मिले या मिले भी तो जरा दूर मिले तो आपको ये महसूस होता है कि आपने को बहुत कुछ खो दिया रिसेंटली मुझे इतफाक हुआ कि जब खुवा रोजा की तरफ जा रही थी तो अचानक गेट बंद हो गया उसके बाद एक खातून इतना रोना शुरू कर दिया उसने इतना रोना शुरू कर, कर दिया इतना रोना मुझे उसके हाल पे रह मारा था वो हाथ मार रही थी दरवाजे के ऊपर और फिर पीछे लौटती फिर वापस पलटती फिर हाथ मारती फिर रोती तो मैं उसको देख के गौर कर रही थी कि ये तो दुनिया है कबर के पास जाने का मौका नहीं मिल रहा और वो भी जो नजर ही नहीं आती सिर्फ एक फीलिंग होती है ना कि हम करीब 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 आ गए यही क्यामत के दिन अगर करीब ना हो सके तो फिर क्या होगा फिर क्या होगा और अगर बिदात में पड़ कर हौज कौसर पर पानी ना मिला तो फिर क्या होगा वहां तो रोना भी काम नहीं आएगा यहाँ तो हो सकता आपका रोना देख के किसी को तरस आ जाए और कोई आप पर मेहरबानी कर दे लेकिन वहाँ क्या होगा तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अपनानी है ताकि हम क्यामत के दिन रसूल अल्लाह रसुल्ला सल्लाम के करीब तरीन हो जाए और उसमें से हमें नमाज नहीं बताई गई रोज़ा नहीं बताया गया कुछ और नहीं बताया गया अच्छा, अच्छा अखलाक बताया गया नबी सल फरमाए बेशक क्यामत के दिन मेरे नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा महबूब यानी आप उनसे मोहब्बत करते होंगे और करीब बैठने वाले लोग वो होंगे जो बेहतरीन अखलाक वाले हैं फिर इसी तरह उनको सबसे अफजल लोग कहा गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह कौन से लोग अफजल हैं? आपने फरमाया हर मखमूम-ul-कल्ब और सच्ची जबान वाला साहबा ने कहा हम सच्ची जबान वाले को तो जानते हैं, मखमूम है कल्ब कौन होता है फरमाया ऐसा दिल जो डरने वाला और साफ हो उसमे गुनाह बगावत खयानत और हसद न हो फिर दिल पे बात आ गई आमतौर पर दिल की हालत को अखलाक में शामिल नहीं करते लेकिन हमारे दीन में दिल की हालत के बगैर अखलाक का कोई तसवर नहीं है अब हुर कहते रसुल्ला ने फरमाया तुम जन्नत में दाखिल न हो सकोगे जब तक ईमान न लाओ और तुम ईमान नहीं ला सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करो ईमान ही मुकम्मल नहीं क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बता दू की जब तुम उस पर अमल करोगे तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी आपस में सलाम को करो और ये सिर्फ घर से बाहर नहीं घर के अंदर भी कसरत से साहबा का तरीका क्या था कि अगर जा रहे होते थे और बीच में जैसे दरख्त आ गया और कुछ दरख्त के इधर दर से गुजरे कुछ उधर से गुजरे और थोड़ी देर के लिए गैप आ गया नजर नहीं आया और दोबारा वापस आगे मिले जाके तो फिर सलाम किया एक दूसरे को लेकिन हम समझते हैं जैसे सुबह उठ के एक दफा बस हमने कर दिया है और अब एक घर में ही रह रहे तो नहीं अगर बच्चे किचन में आते हैं फिर सलाम करें आप बेडरूम में जाते हैं सलाम करें आप घर से निकलते हैं सलाम करें घर में दाखिल होते हैं सलाम करें अगर सिर्फ इस हुक्म पर भी अमल कर लिया जाए तो घरों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी आज हर शख्स परेशान है कि घर वालों के दरमियान ही एक दूसरे के लिए मोहब्बत और नरमी और शफकत नहीं बहुत से लोग ये मसाल पूछते हैं कि बच्चे बहुत लड़ते हैं आपस में उनका कुछ हल हो बचपन में अगर बच्चों को सलाम करना सिखा दे और एक दूसरे को सलाम करे तो आप देखें लड़ाई होगी भी तो सलाम करेंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी और मोमिनों का तो आपस में रिश्ता ही क्या है रोहमा उम एक दूसरे के लिए मेहरबान है शफीक है एक जिसम की मानद है और फिर आप देखें कि नबी अलैहि वसल्लम ने जो अच्छे अखलाक के उसूल बताए वो क्या थे आपने फरमाया तुम लोग एक दूसरे से हसद न करो ना एक दूसरे के खिलाफ रेट बढ़ाओ यानी बिजनेस में ना एक दूसरे से बोगज रखो ना ही एक दूसरे से रूगरदानी करो और तुम में से कोई किसी के सौदे पे सौदा न करे यानी अगर किसी ने सौदा कर लिया है तो तुम ज्यादा पैसे देके उसका तोड़ा के खुद न करो और अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ मुसलमान मुसलमान का भाई है न वो उस पर जुलम करता है न उसे जलील करता है न उससे झूठ बोलता है न उसे हकीर समझता है ये है اخلاق न जुल्म न जलील करना न झूठ बोलना न हकीर समझना अगर ये खराबियां निकल जाए लोगों के अंदर से तो सारे मसाइल ही हल हो जाए आपने फरमाया किसी आदमी के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे लेकिन आप देखें कि का तब कहते नहीं हम हकीर तो नहीं समझते लेकिन किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं किसी पे बातें बना रहे होते हैं किसी के ऊपर कोई तंज कर रहे होते हैं जो किसी को हकीर समझता है उसी के साथ ऐसा करता है अगर कोई किसी की इज्जत करता है तो उसका मजाक थोड़ी उड़ाता है उस पर तंज थोड़ी करता है रसूल अल्लाह सलम ने फरमाया मोमिन मोहब्बत करता है और उससे मोहब्बत की जाती है यानी वो भी मोहब्बत करता है लोग भी उससे मोहब्बत करते है और उस बंदे में कोई खैर नहीं जो ना मोहब्बत करता है और ना उससे कोई मोहब्बत करता है बस लिए दिए रहता है और लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो उनके लिए सबसे ज्यादा नफा बख्श है सबसे ज्यादा नफा बख्श जो सबसे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाता है वो सबसे बेहतर इंसान है अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम दूसरों को किस किस शक्ल में क्या फायदा पहुंचा सकते हैं और सबसे ज्यादा उनको किस चीज से फायदा हो सकता है बाजुकात कोई करने का काम बता के और बाजुकात कोई ना करने का काम उससे रोक के और इसके अलावा जाहरी मादी शक्लें तो बहुत सी हो सकती हैं फिर इसी तरह दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना और दूसरों के लिए खैर खाही करना और फिर आप देखिए कि अच्छा अखलाक जो है ये इंसानियत का हुसन है एक खूबसूरती है माहौल को खूबसूरत बनाता है काम को आसान कर देता है और माहौल के अंदर एक खुशगवारी पैदा हो जाती है आप दूसरों की रियायत करते हैं दूसरों के मामले और मसलियत को समझने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ अपने फरायज़ भी अदा करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मसायल वहां पैदा होते हैं जब इंसान अपना फर्ज अदा नहीं करता जहाँ अच्छे अख्लाक की तारीफ की गई वहां बद अख्लाकी मजम्मत भी की गई हमारे दिन में रसुल्ला सल्ला ने फरमाया अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो होते हैं जब उन्हें देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए और बदतरीन बंदे वो होते हैं जो चुगलखोरी करते मोहब्बत करने वालों के दरमियान फसाद डालते हैं, तफरीक पैदा कर देते हैं, बागी होते हैं बेजार होते हैं, मुतानत होते सरकश किस्म के लोग होते हैं रसूल अल्लाह सलम ने फरमाया मोमिन भोला भाला और फराख दिल होता है और फाजर चालाक और दिल में बुग्ज रखने वाला होता है यानी वो किसी का सच्चा खैर खां नहीं होता आप सल्लाम ने फरमाया क्या मैं तुम्हे अहले जहन्नम के बारे में न बताऊँ की दो जखी लोग कौन है हर वो बद अखलाक आदमी जो कीना परवर और मतकबर हो दिल में कीना रखे और एरोगेंस हो के रवैये में तो जो गैर अखलाकी बीमारियाँ हैं या बुराईया हैं उनमें हसद कीना बोस जो शख्स अपने भाई के लिए की रखे उसे मकफरत से महरूम कर दिया जाता है नबी सल्ला ने फरमाया पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते है और हर उस बंदे की मकफरत की जाती है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे सिवाय उस आदमी के जो अपने भाई के लिए कीना रखता हो दिल में बुरा रखता हो और कहा जाता है इन दोनों की तरफ देखते रहो यहाँ तक के वसला कर लें आपस में ताल्लुक अच्छे कर लें और तीन दफा ये बात फरमाई इसी तरह बदखलाकी में कत ताल्लुकी छोटी छुट छोटी बातों पर नाराज होना बोल चाल बंद कर देना नंबर ब्लॉक कर देना छोटी सी बात पे गुस्सा आया नंबर ब्लॉक कर दिया आना जाना छोड़ दिया लेन देन छोड़ दिया खुशी गमी पे शरीक होना छोड़ दिया फिर इसी तरह बद में दूसरों के ऐब तलाश करना कि इसका कद छोटा है इसकी शक्ल ऐसी है फिर नफरतें पैदा करना अख्तिलाफ़ात को हवा देना एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां करना जैसे आजकल कर आप देखें रिसेंटली जो हमारी सियासत में हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पर ऐसे ऐसे इल्जाम एक दूसरे पर जिनकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है एक के कल्चर को रवाज दे देना फिर बिलावजा की दुश्मनी पाल लेना उसको पर्सनल दुश्मनी में बदल लेना यानी एक होता इख्तलाब, किसी भी एक बात के बारे में दो लोगों की दो राय हो सकती हैं, आपको हक है आप अपनी राय रखें, मुझे हक है मैं अपनी राय रखूं, क्योंकि मैंने अपना हिसाब देना है आपने अपना देना लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं की चूके आप मेरे नुकता नजर से मुतफिक नहीं इसलिए मैं आपसे दुश्मनी कर लूँ नहीं इसका तो कोई جواز ही नहीं बनता ये भी बद अखलाकी की इंतहाई बुरी शक्ल है फिर बुरे गुमान रखना बुरी बातें सोचते रहना दूसरे के बारे में फिर बात करना तो दूसरे की इज्जत पमाल करना और ये मामला सिर्फ ये नहीं कि लोगों के साथ या घर से बाहर घर के अंदर भी आज एक खातून का मसला मुझे भेजा गया जिसमें उस खातून ने बताया की मेरे शौहर मई बार तलाक दे चुके बाद पे और अब तो शायद दस बारह साल से उनका कोई आपस में ताल्लुक भी नहीं है और लड़ाई और झगड़ा और फसाद और ना कोई बोल चाल और अगर वो पूछे भी तो पूछने का हक भी नहीं है कि नाराजगी किस बात की तो बाज लोग तो ये जहमत भी नहीं करते कि ये बताएं कि भी हम नाराज हैं तुमसे तो क्यों नाराज हैं या हमें तुमसे ये शिकायत है तुम आइंदा ये काम नहीं करो तो ये सब कुछ ईमान की कमजोरी और ईमान की खराबी है अगर कोई शख्स अल्लाह से डरता तो ऐसा जुल्म ज्यादा नहीं कर सकता ऐसी सूरत में या तो इंसान भले तरीके से रहे या फिर भले तरीके से अलग हो जाए लेकिन ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में रहना और फिर इस्लामी लिहाज से भी कई तलाके हो चुकी तो फिर तो इकट्ठे रहने का कोई जवाब भी नहीं बनता तो किसी की इज्जत पामाल करना उसको जलील करना ये भी बदखलाकी में आता है तंज करना बातें सुनाना और मजाक उड़ाना हंस देना यानी दूसरा बात कर और आप हंसना शुरू कर दे और उस बेचारे को पता ही न कि आप किस बात में हंस रहे हैं ये भी बद बदखलाकी की एक किस्म है बाहिर आप हंस रहे हैं लेकिन आपका ये हंसना बेजा है बाजू का तो वालदे बच्चों की छोट छोटी छोटी चीजों के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं हालांकि वो हंसने का मकाम नहीं होता इससे बच्चे माँ बाप से भी चिड़ जाते हैं यानी आपको बेवकूफ़ समझते हैं ना कि आप जहाँ हंसना नहीं चाहिए वहाँ हंस रहे हैं या आप उनका मजाक उड़ा के हंस रहे हैं फिर इसी तरह एक दूसरे के साथ मुकाबले करना अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बात काट के अपनी बात उसके ऊपर डाल देना और अपनी बड़ाई बयान करना शुरू कर देना इस किस्म की बातें भी यानी एक तो ये है ना कि दुनिया के मामला में एक दूसरे से मुकाबले करना नबी सलम ने फरमाया तुम दुनिया को हासिल करने में एक दूसरे का मुकाबला करोगे फिर एक दूसरे ऐसी हसद करोगे फिर एक दूसरे से मुंह फेर लोगे फिर एक दूसरे ऐसी बोग्स रखने लगोगे यानी स्टेप बाय स्टेप ये चीजें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और ये चीजे आजकल नजर आती है रिश्तों में खानदानों के अंदर लेकिन आम लोगों से भी मामला करते हुए दूसरे की बात कम सुनना अपनी ज्यादा सुनाना दूसरे की बात काट के अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करना ये सब बदखलाकी की किस्म है तो बहरहाल करने के काम ये है कि इंसान प्रैक्टिकली भी अगर दिल को साफ रखना चाहता है तो दूसरों की बुराइयां याद न रखे कोशिश करें कि वो दिल से निकलती चली जाए अहनफ बिन कैस कहते हैं मैंने कभी उस शख्स को किसी बुराई से याद नहीं किया जो मेरे पास से उठ कर गया हो यानी मिलने आया उठ के गया उसकी किसी बुरी बात का जिक्र ही नहीं किया ना ही बुराई में याद किया जैद बिन असलम कहते हैं वो अबू दुजाना के पास गए जब वो बीमार थे और उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था उनसे कहा गया क्या बात है कि जिसकी वजह से आपका चेहरा इतना चमक रहा है उन्होंने कहा कोई ऐसा अमल नहीं जो मेरे नजदीक इन दो चीजों से बढ़कर काबिल भरोसा हो एक ये कि मैं ऐसी चीज के बारे में गुफ्तगु नहीं करता जिससे मेरा ताल्लुक ना हो दूसरा ये कि मेरा दिल मुसलमानों के लिए पाक साफ सलामती वाला है अगर हम ये दो बातें सीख लें, तो कितने ही झगड़े खत्म हो जाए तो खास खासतौर पर सियासत में फिर सीने में हसद और कीना नहीं पाल के रखना चाहिए इब्ने हजर कहते हैं हसद कीने का नतीजा है और कीना गजब का नतीजा यानी आपको गुस्सा आता है तो उससे फिर दिल में कीना पैदा हो जाता है फिर आप हसत करने लगते है अबू हातिम कहते हैं कि कीना शर की बुनियाद है और जो अपने दिल में शर को छुपाता है वो उसके लिए ऐसी नबाता तो गाता है जिनका जायका तल्ख और कड़वा होता है उसका फरोख पाना गुस्सा है और उसका फल नदामत एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ भी नहीं इबन अरबी कहते है दिल उस वक्त तक सलामती वाला और पाक नहीं होता जब तक वो बहुत ज्यादा कीना रखने वाला हसद रखने वाला खुद पसंद और मतकबिर हो यानी यह चीजें अगर आपके दिल के अंदर है तो आपका दिल साफ नहीं कुरान मजिद में, में आता नद अफला तो फिर आपका तस्किया नहीं हुआ साफ नहीं हुआ दिल फिर इसी तरह यह है की इबन सीरीन कहते हैं मैंने दुनिया के मामला में किसी भी चीज में किसी आदमी से हसद नहीं किया क्यूँकी अगर वह पहले जन्नत में से है तो दुनिया के बारे में उससे हसद क्यों करूँ जबकि ये दुनिया जन्नत के मुकाबले में इंतहाई हकीर है और अगर वो जाननमियों में से है तो उसकी दुनिया के बारे में मैं उससे हसद क्यूँ करूँ जबकि वो जानना में जाने वाला है यानी या वो जन्नती है वो जाननवी है यानी कि अगर उसने जन्नत में जाना है तो जो अब इसके पास है वो तो बहुत छोटा है बहुत थोड़ा है। उस पर क्या हसद करना फिर इसी तरह कहा जाता है कि जो लोग बुलंद मरतबे पर फायज है उनके अंदर अखलाक की दस चीजें पाई जाती है सीने की सलामती और पाकिजगी माल की सखावत जबान की सच्चाई नफ्स की इंकसारी सख्ती में सब्र करना तन्हाई में रोना यानि अपने गुनाहों लोगों के लिए खैर खाही करना मोमिनों के लिए रहम दिल होना और फना होने के बारे में गौरव फिकर करना यानी जिसम खत्म हो जाएगा एक दिन चले जाएंगे दुनिया से और चीजों से इबरत पकड़ना यानी हर वाक्य से कुछ सबक सीखना इसी तरह अच्छे अखलाक में से यह है कि इंसान किसी के बारे में दिल में दुश्मनी न रखे कि मैं इससे ये इंतकाम लेकर रहूंगा ये इसे बदला लेकर रहूंगा यानी इंतकाम की आग में खुद सुलगता न रहे अपने आप को न सुलगाए, बल्कि मामला अल्लाह पे छोड़े अगर कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा उसका सदबाब करे लेकिन दिल को साफ करे अब देखिए कि नमाज रोजे पर इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी दिलो को साफ करने पर लगती वो तो जिसमानी मुशक्कत होती है ना इंसान उठता वुजू कर लेता नमाज पढ़ के फारिग हो जाता लेकिन अगर आपने दिल से कुछ निकालना है तो बहुत हार्ड है बहुत मुश्किल है उसके लिए जो चीज मुझे बहुत फायदा देती है मुझे बिल्कुल पुरसकून कर देती है और दिल ऐसे सुकून में आ जाता है सभी को पता है लेकिन रिमाइंडर इसलिए दे रही हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई बेचैनी पैदा हो जाए या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए या कोई एंग्जाइटी आने लगे या किसी भी तरह तो अस्त फिर अस्त क्योंकि ये किसी न किसी गुनाह का नतीजा होता है जिसको हम या तो भूल चुके होते हैं या हम उसको गुनाह समझ नहीं रहे होते वो कहीं ना कहीं कुछ है जो हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या किया कहीं गड़बड़ की है तो अल्टीमेटली दिल पे आती है वो चीज सबसे पहले इंसान वक्त के मुताबिक ज्यादा वक्त है तो ज्यादा इस्तवार कर ले थोड़ा वक्त है तो थोड़ा कर ले मसलन आप सात दफा से शुरू कर ले सात दफा हस्तखरल्लाहतखिर अस्तफिरल्लाह अस्तर सोच के अल्लाह वाकई मुझे माफ कर दे नेमतो को याद करे अलहमदल्लाहमदल सोचते जाए नियमते ये नियमत वो नमत वो नमत फिर उसके बाद सलाम उम कऊलम रब रहीम सलाम उम कबल्बिर रब रहीम सलाम उम कउल अम्बिर रब रहीम आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ी देर भी बैठ के खामोशी से ये जिक्र करते रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल आप हल्के पुल्के हो जाएंगे दुनिया नहीं बदलती मौसम नहीं बदलते मौसम अपने वक्त पे बदलते लेकिन आपका दिल बदल जाता है और सारी खुशी तो होती दिल में सारा सुकून और करात होता है दिल हर वक्त उस पर नजर रखे कि वो डिस्टर्ब ना हो इधर से उधर ना हो और जब हो उधर ही पकड़ ले उसको उसका लंबा ना जाने दे किसी भी चीज पर बेचैनी हुई है तो उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना छोड़ना नहीं गाफिल नहीं होना हीटलेस नहीं होना दिल खाली है दिल लग नहीं रहा दिल अल्लाह के जिक्र में नहीं लग रहा नहीं फौरन उसकी खबर लेनी यानी ये उन चीजों में से है कि जितना जल्दी इस बीमारी को ट्रीट करेंगे उतना ही फायदा है छोड़ देंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा इब्ने कईम कहते हैं नाराजगी और अदम रजामंदी के होते हुए दिल का सलामती वाला होना महाल है जैसे जैसे बंदा अल्लाह के फैसलों पर ज्यादा राजी होने वाला होगा वैसे ही उसका दिल ज्यादा सलामती वाला होगा मैं किसी स्पीकर को सुन रही थी तो वो जिक्र कर रहे थे किसी बद्दू का कि एक बद्दू एक अमेरिकन से मिला यानी टैक्सी ड्राइवर था तो उसने कहा कि क्या बात है अमेरिकन हमसे क्यों नफरत करते हैं तो कहा नहीं सारे तो नहीं करते उसका के करते हैं उनका के, हाँ शायद इसलिए कि उन्होंने उनके टावर गिरा दिए हैं तो कहीं तुम तो सऊदीज ने टावर गिरा दिए तो इसलिए उसने कहा था कि ये तो अल्लाह की कदर थी हो गया उनको तकदीर का नहीं पता अगर वो अगर अमेरिकन को अल्लाह की तकदीर के बारे में इल्म हो तो वही गुस्सा जाने दें म अमेरिकन की बात करे जाहरा तुमने कहा तुम सऊदी भी तो हमें अच्छा नहीं समझते कहा नहीं ऐसा नहीं है हमें कोई मसला नहीं है हम तो हर आने वाले की कदर करते जो भी यहाँ आता है तो बहरहाल कहने का मतलब ये था कि एक बिल्कुल देहाती अनपढ़ शख्स ये जानता है कि जब तक अल्लाह की तकदीर पे राजी नहीं होंगे उस वक्त तक आपके गम दूर नहीं हो सकते गमों का इलाज ही तकदीर पे राजी होना अल्लाह की रजा पे राजी होना अल्लाह के फैसलों पर राजी होना है अल्लाह ने मेरे लिए ये लिखा है वो कहते हैं खबासत और खोट और दिल का कीना नाराजगी के साथ ही है दिल का पाक साफ होना नेक होना खैर खाही करने वाला होना अल्लाह के फैसलों पर राजी होना इसी तरह हसद अल्लाह के फैसलों पर नाराजगी के सम्राट में से है अल्लाह ने फैसला किया ना किसी को बहुत ज्यादा दे तो आप क्यों नाराज है तो उसको क्यों उतना मिल गया और दिल का इससे पाक होना अल्लाह के फैसलों पर राजी होने के समरात में से है तो ये तो अमली नुकते थे कुछ के प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए लेकिन उसके साथ जो तो असल बात है वो ये अल्लाह से दुआ करनी चाहिए चंद दुआएं जो इस सिलसिले में बहुत फायदा मंद होती हैं, एक तो यही दुआ है ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آپ سوچیں کسی کے بارے میں क्या वो मुसलमान है आ, है तो फिर तो मैं ये दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मेरे दिल में ये ना रहे गिल मुझे तो उससे गिल नहीं रखना मुझे तो नाराजगी नहीं रखनी मुझे तो कीना नहीं रखना ठीक है शिकायत होती है गुस्सा भी आ जाता है लड़ाई भी हो जाती है आपस में लेकिन दिल में जगह नहीं देना उसको दिल से निकाल माफ कर देना साफ कर देना क्योंकि हमें अपने दिल को साफ करना है क्या हम नहीं चाहते कि हमारा घर साफ हो हमारा बिस्तर साफ हो हमारा लिबास साफ हो हमारे हाथ पांव साफ हो हमारा सर साफ हो हमारा जूता साफ हो ये सब चीजें साफ चाहते हैं ना तो फिर दिल क्यों ना साफ हो हर चीज साफ चाहते हैं और दिल साफ नहीं करते सबसे कीमती उज्व कौन सा हमारे जिसम में हम पेडिक्योर, मेनिक्योर, पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं बालों को डाई कराना है फुला चीज करनी फला चीज करनी है अपने आप को सजाने के लिए क्या कुछ वक्त और पैसा खर्च करते हैं दिल को साफ करने के लिए चमकाने के लिए क्या खर्च करते है कितना वक्त लगाते हैं? कितनी एफर्ट लगाते हैं? वो चूंकि किसी को नजर नहीं आता वो मैला हो कुछ गंदगी से भरा हुआ हो ढेर लगे हैं गंदगी के पता नहीं किस किस की नफरतों के ढेर वहां पर जमा है कोई परवाह नहीं लिए फिरते हैं उस बोझ को निकाले उसको माफ करें सबको मुझे ये दुआ बहुत अच्छी लगती है जो मैं मांगती हूँ कि आला जिस किसी ने मुझ पर कोई एहसान किया है उसको उसका उससे भी बेहतर बदला दे और जिस किसी ने मुझे कोई तकलीफ दी है तो उसको माफ कर दे क्योंकि इंसान है ना हम क्या हम नहीं देते तकलीफ दूसरों को हमसे भी तो हो जाता है ना या तो ये हो ना कि हम पाक साहब हूँ जब हम गलती करते हैं तो किसी की गलती को क्यों नहीं माफ करते फिर एक और दुआ है अल्लाहनी याहूदबी का मिनल अजी वाल कसली वल जुबनी वल बुखली वल्हर व अजाबिलकबरी अल्लाह नफसी तकवाहा बजक्की हा अंत खैर उन्त वलीयू हा व मौला अल्लाह मनी आऊदी का मिन इलाफा मिन कल बिल्लाफ् तशबाहबुल्हा तेरी पनाह में आता हूँ आजिज हो जाने से सुस्ती से बुज़दली से बुखल से सख्त बुढ़ापे से कब्र के अजाब से अल्ला मेरे नफ्स को तकवा दे दे उसको पाक कर दे तू ही उसको सबसे बेहतर पाक करने वाला है तू ही उसका रखवाला और उसका मददगार है अल्लाह बेशक मैं तुझे ऐसे इल से पनाह मांगता हूँ जो नफा देने वाला ना हो ऐसे दिल से जो डरने वाला ना हो ऐसे नफ से जो सैर होने वाला ना हो और ऐसी दुआ से जो कबूल होने वाली ना हो तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी और इसमें खासतौर पर जो अज से पनाह मांगी गई है अजस कहते किसी काम के करने की कुदरत ना होना नहीं कर सकते आजिज आज क्योंकि जब इंसान के अंदर अज होता है ना बेबसी होती है तो इंसान न अपनी इबादत कर सकता है न बंदों का हक दे सकता है किसी काम के काबिल नहीं रहता अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसे इंसान की मुज़म्मत की है। अब्दन मन अबलू कर लादर अला इन। अल्लाह ने एक मिसाल बयान की जो एक गुलाम की है जो किसी की मिल्कित में कुछ करने की उसमें कुदरत नहीं कुछ नहीं आता उसको बेकार बनता है फिर कसल होता है सुस्ती यानी कुदरत है कर सकते हैं लेकिन उसको बोझल समझते हो मुश्किल समझते हो छोड़ देना कहने हमसे नहीं होता छोड़ो क्या करना तो ये मजमूम से पत है और जब किसी इंसान के अंदर ये दो चीजें आती है तो वो बदखलाक हो जाता है जो बंदा आप उससे कोई काम कहते हैं वो करके नहीं देता वो आपसे वादा करता पूरा नहीं करता आप उसको कुछ समझाने की कोशिश करते हो समझ के नहीं देता तो आपका पेशेंस का लेवल क्या होगा कब तक कहां तक आप पेशेंस रख नहीं रहेगा बाकी और इसी तरह जब कोई आपके साथ नहीं करेगा कर, फिर आपको भी उस पर गुस्सा आएगा फिर तो इसी तरह ये होता है कि कुछ अकल की सुस्ती होती है कुछ जिसम की सुस्ती होती है अकल की सुस्ती क्या होती है कि गौर और फिक्र ना करना नतयज को ही ना देखना कि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा अंजाम की परवाह ना करना और जिसम की सुस्ती तो सबको मालूम है फिर जुबन जुबन बुजदिली को कहते हैं यानी खोखलापन बुजदिल होना जो इंसान बुजदिल होता है वो भी आगे बढ़ के कोई बड़े बड़े काम नहीं कर सकता क्योंकि वो हर चीज से डरता है ये ना हो जाए वो ना हो जाए सिफत इंसान को खैर के कामों से पीछे कर देती है फिर बुखल ये भी इंतहाई बद अखलाकी की चीज है इंसान को माली हकूक अदा करने से रोक देता है आपके माल होता है लेकिन आप खर्च ही नहीं करते हत तक अपनी ज़ात पे भी नहीं करते और जिनकी कफालत जिम्मे आपके उनपे भी खर्च नहीं करते कई दफा आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर ये आदत होती कई औरतें बेचारी इस बात पर इतना परेशान होती है कि उनके हस्बैंड घर की जरूरी चीजों पर भी खर्च नहीं करते जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की उनपे भी खर्च नहीं करते तो फिर उनके घरों में लड़ाई फितना पसाद न होगा तो क्या होगा बदखलाकी तो आएगी जब बुखल होगा तो बदखलाकी आएगी इमाम नबी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजरी और बखीली से जो पनाह मांगने की बात की है तो ये इसलिए कि इनसे वाजबात को अदा करने में कोताही पाई जाती है इंसान न बंदों के हक अदा करता है न अल्लाह का हक अदा करता है और इसी तरह जुबन और बुहल भी दोनों साथी हैं क्योंकि इंसान फिर ना अपने माल से सही फायदा उठा सकता है न जिसम से फायदा उठा सकता है बुढ़ापा भी इंसान की कुतों को कमजोर कर देता आजिज बेबस हो जाता है इंसान नाकारा उमर हो जाती है जिसमें ना अक्ल काम करती है और ना ही इंसान का जिसम काम करता है कोई नेकी नहीं कर सकता किसी के काम नहीं आता उल्टा वो दूसरे पे बोझ बन जाता है और फिर नफ्स के तकवा की बात की गई कि अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा कर क्योंकि नफ्स के अंदर अगर तकवा आएगा तो खला खुद बहुत अच्छा हो जाएगा वजक्के हा और तजिए की बात की गई है वह अंत खैरु मनजक का अल्लाह तू ही सबसे ज्यादा उसको पाक कर सकता है अंत वलियु व मौला तू ही उसका वली और मौला है तू ही उसका मालिक है और फिर ऐसे इल्म से पनाह मांगी गई है जो फायदा न दे इंसान बहुत कुछ पढ़े लिखे सीखे लेकिन जिंदगी में काम ही ना आए इल्म हासिल करना एक मशक्कत तलब काम होता है ना जिसमें इंसान का वक्त भी लगता है माल भी लगता है लेकिन अगर वो सब कुछ लगा के उसके बाद हाथ में कुछ भी नहीं आया फिर क्या फायदा हुआ और ऐसे नफ से पना चाहता हूँ जो सैरी नहीं होता यानी कनात ही नहीं इख्तियार करता और ऐसी दुआ से भी बना के जो कबूल ही ना हो क्योंकि दुआ मांगने में भी वक्त भी लगता है एनर्जी एफर्ट लगती है लेकिन तरीका ही सही नहीं है मांगने का कबूल ही नहीं हुई और आगह हो गई सब चीजें तो वो कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं की जाती जिसको अल्लाह ताला ना पसंद करता है एक है गुनाह की दुआ किसी गुनाह के काम करने के लिए दुआ करना रिश्तेदारी को काटने की बात हो जिसमें या फिर यह कि शराय पूरी ना करे इंसान दुआ मांगने की जैसे अखलास और हलाल खाना और दीगर शराय तो जिसकी दुआ को भूलनी हो तो नाकाम हो नराद हो गया फिर एक और दुआ है अल्लाह बी नूबिना वह बइन वह दिना सुबुल व नजिना मिनजुलुमात इन्नूर वह जन्नब नफवाह शमा जहा वकन व बारिक लना फी अस्मायना व अबसारना वलूबिन व अजवाजिना वियाना व तुब अलइना इन्ना का अंत तब्बाब्रहिम व जालना शाकिदीन अलिन अमतिका मुस्निना बिहा काबिल हा व अति अलइना और एक रिवायत में लिल् आमे का भी आता अल्लाह हमारे दिलों में उल्फत पैदा करते है चाहे आपके घर वाले है या जहाँ आप काम करते हैं यानी जिन लोगों के साथ भी हम मिलजुल कर रहते हैं हम उनसे मोहब्बत करें वो हमसे मोहब्बत करे जिंदगी कितनी खुशगवार और कितनी आसान हो जाती है हमारे आपस के मामला की इसलाह कर दे हमें सलामती के रस्तों की तरफ रहनुमाई अताकर हमें अंधेरों से निजात देकर नूर की तरफ ले आमे तमाम जाहिर और छुपी बदकारीयों से महफूज रख हमारे कानों और हमारी आंखों और हमारे दिलों और हमारे घर वालों और बच्चों में बरकतें अदा फरमा हमारी तोबा कबूल फरमा बेशक बहुत ज्यादा तोबा कबूल करने वाला है और रहमत करने वाला है हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना दे, ने दे उनकी तारीफ करने वाला नेमत को देख के अप्रिशिएट करे और उनको कबूल करने वाला बना दे और इन नेमतों को हम पर कामिल फरमा दे बहुत ही खूबसूरत दुआ है इसके मुख्तफ वर्जन भी हैं जिनमें कमी बेशी है अल्फाज की लेकिन मफहम एक ही है कि अल्लाह हमारे दरमियान आपस में उन्स मोहब्बत और एक दूसरे के साथ प्यार इतफाक पैदा कर दे जिन भी लोगों के साथ हम रहते हैं और फिर ये कि हमारे आपस के ताल्लुक में इसलाह हो जाए यानी मुखालफतें और अदावत खत्म हो जाए और हम ऐसे काम करें कि जिससे हम सलामती तक जा पहुंचे और बेहयाई के काम और बुराइयां इन सब चीजों से हमें बचा ले और हमारे कान आंखें दिल इन सब में बरकत डाल दे हमारे अज्बाज औलाद में जरूरियात में और हमारी तोबा कबूल कर ले तो बहुत तोबा कबूल करने वाला मेहरबान है हमें शुक्रगुजार बना दे और नेमतों की कदरदानी करने वाला फिर एक और दुआ है अल्लाम इन्नी असअल कफेल खैरात व तरकल वह हब्बल मसाकिन वली व तरह वन फनीतून इन असअल का हब्बा का वह हब्बा मई हब्बू का वह हब्बा अमल इन युक्रब अला हब्बी का अला मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेक काम करने का यानी मुझे नेक कामो की तोफीकता फरमा मुनकरात से बचने का ये तेरी दी तोफीक से इंसान बच सकता है मिस्किनों से मोहब्बत करने का और ये कि तू मुझे माफ कर दे और मुझ पर रहम फरमा और जब तू किसी कौम की आजमाइश का इरादा करे तो मुझे फितने में मुबतला होने से पहले मोत फरमा दे और मैं तुझसे तेरी मोहब्बत तुझसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत और तेरी मोहब्बत के करीब करने वाले अमाल की मोहब्बत का सवाल करता हूँ किसका जर खूबसूरत दुआ है हर खैर को मांग लिया गया और हर शर को छोड़ने की बात की गई है और फिर हर शर से जो बचने के कहा गया तो मुनकरात में हर वो कॉल फेल अमल सब चीजें शामिल हो जाती है जिनको अल्लाह तला नापसंद करता है कि अल्लाह तला में उनसे दूर कर दे रसूल अल्लाह रसुल्ला जाम दुआ पसंद करते थे और चंद लफ्सों के अंदर कितना कुछ मांग लिया गया और यहाँ पर आप देखिये खासतौर पर जो हब्बुल हुबुलमसाकिन है मस्किनों से मोहब्बत ये सिर्फ वही इंसान करता है जो वाकई अंदर से इंसान है महाशरे के ऐसे अपराध जो महरूम है जिनके पास नहीं है कमजोर है बीमार है अपनी जरूरियात खुद पूरी नहीं कर सकते उनकी केयर करना उनका ख्याल रखना उनकी तरफ तवज्जो करना ये वही कर सकता है जिसका अपना दिल भी नरम हो और जिसको अल्लाह ने तौफीक दी हो वरना आमतौर पर लोग जिसके पास ज्यादा दुनिया होगी जिसके पास ज्यादा कोई स्टेटस हो उसकी तरफ मायल होते हैं लेकिन यहां उसके उलट मांगने को कहा गया कि जिनके पास कुछ नहीं अल्लाह मुझे उनकी मोहब्बत दे दे और आपने देखा होगा कि जिन लोगों के दिलों में ऐसी मोहब्बत होती है वो फिर इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर भी जाते हैं और फिर बख्शिश और रहम का सवाल है और फिर अल्लाह की मोहब्बत का और अच्छे कामों की और अच्छे लोगों की मोहब्बत का सवाल है फिर एक और दुआ है अल्लाह मखिरली जनूबी वताशनी वजबरनी वह दिनी लि लिहाली वल अखलाकी व इन्ना दी लि लिह वा सिर्फ सयहा अंता अल्लाह मेरे गुनाहों और मेरी खताओं को माफ फरमा दे अल्लाह मुझे तंदुरुस्त कर दे मेरी कमियां पूरी कर दे नेक अमाल और अच्छे अखलाक की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा क्योंकि उनकी नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला और उनकी बुराई को दूर करने वाला तेरे सिवा कोई नहीं अच्छे अखलाक की तरफ रहनुमाई सिर्फ अल्लाह ही करता है किस वक्त क्या करना है क्या डिसीजन लेना है कब क्या बात करनी है ये अल्लाह की तौफीक से ही होता है और अल्लाह मखी जुनूबी वत आया मही के अल्लाह तेरे गुनाओं को ढांक दे उन पे पर्दा डाल दे तो हकीकत है, है अल्लाह ने हमारी कितनी बुराईया और कितने ऐप छुपाए हुए है और फिर ये अल्लाश नहीं यानी मुझे बुलंद कर दे और मेरी गर्मजोशी को मजबूत कर दे यानी की मेरे अंदर एक लाइफ हो और फिर मेरे फखर को दूर कर दे मोहताजी दूर कर दे मजबूर नहीं और नेकमाल करने की तरफ मेरी रहनमाई कर और फिर अच्छे अखलाक अता कर एक और दुआ है अल्लाह इन्नी आऊद बिकमी मुनकरा तिल अखलाक इवल अमाल इवल अहवा ई अल्लाह बेषक मै तुझसे बुरे अखलाक बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात से पना मांगता हूँ नबी सम ये दुआ पढा करते थे इसी से मिलती जुलती एक और दुआ है अल्लाह जन्नब नी मुनकरा तिल अखलाक इवल अहवा इवल अदवाह मुझे बुरे अख्लाक बुरी ख्वाहिशात और बुरी बीमारियों से बचा बुरे अख्लाक में जैसे हसद बुखल बुजदली बजवानी गाली गलोच झूठे इल्जाम और फिर यानि वैसे जुलम करना तशद करना और बुरे अमाल में जैसे कतल शराब नोशी कबीरा गुना सारे आ जाते हैं और अहवा नफ्स की ख्वाहिशा नफ्स की ख्वाहिश क्या होती है वो लजीज चीजों आरामदेह चीजों की तरफ मायल होता है और बाक़ात वो तो बढ़ते बढ़ते हराम तक जा पहुंचता है तो ये अल्लाह उससे भी बचा फिर अल्लाह अहसन तलकी हसन लुकी एक और रिवायत में अतफ़ा आहसिन खुकी अल्लाह तो ने मेरी सूरत बहुत अच्छी बनाई बस मेरी सीरत भी अच्छी कर देखलाक भी अच्छा कर दे यानी जिस तरह हमारी जिसमानी साख्त किस तरह अल्लाह ने सीधा खड़ा किया सही सलामत आजा दिए और शक्ल सूरत अच्छी बनाई ये सारी चीजे हम इसलिए अप्रिशिएट नहीं करते कि हम इसको इंसानो के साथ कम्पेयर करते अगर ये जानवरों के साथ कम्पेयर करे तो फिर आप देखेंगे कितनी कदर आयेगी आपको जो अल्लाह ने आपको अता किया है तो फिर या अच्छी शक्ल भी दी है तो अच्छा अख्लाक भी दे फिर एक और दुआ है अल्लाह तलबी वसानी वसलम अतकलबी अल्लाह मेरे दिल को रहनमाईता फरमा मेरी जबान को दुरुस्तगी अता फरमा और मेरे दिल के कीने को दूर कर दे यानी मुझे अपनी मार्फत दे और सच बोलने की तोफीक दे और दिल से कीना खोट हसर धोखा निकाल दे फिर एक और दुआ है अल्लाह इन्नी असअल का सबा तफिल वजीमतअरुश्त व असअलू का मूझ बात राहमतिका व अजा इमा मखरतिक वलुका शुक्रिक वसन इबादत व असअलू कालबन सलीमन व लिसका वनखर मत आलम वहदी का मिनशर मालमो व अस तखरुकमातालमोन का दीन में साबित और हिदायत में पुख्तगी का सवाल करता यानी दीन में आने के बाद फिर मैं जम जाऊ और मैं तुझसे तेरी रहमत को वाजिब करने वाले और तेरी मफरत को लाजिम करने वाले उमूर का सवाल करता हूँ मैं तुझसे तेरी नियमतों का शुक्र अदा करने और अच्छे अंदाज में इबादत करने का सवाल करता हूँ मैं तुझसे कल्बे सलीम और सच्ची जबान का सवाल करता हूँ मैं तुझसे हर उस भलाई का सवाल करता हूँ जिसे तू जानता है और हर उस बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ जो तेरे इल्म उसमें आ गया और तुझसे उन तमाम गुनाहों की बख्शिश का सवाल करता हूँ जो तेरे इल्मे है बेशक तु गैबों का जानने वाला है और अगर हमसे किसी के साथ कोई ज्यादा हो गई हो तो फिर ये दुआ पड़ा करे अल्लाह इन्नी अज इंदुखनी न आजई तुह शुह लुह जलतुह फ लहू सलातन वजन मुकुरकर ब्याह अलाकयाम अहला मैं तो इसे अहद करता हूँ पर तु हरगे वादे के खिलाफ नहीं करता मैं सिर्फ एक इंसान हूं तो जिस मोमिन को मैं तकलीफ दू उसको बुरा कहू उस पर लानत करूं उसे सजा दू तो तू उसे उसके लिए रहमत और पाकिजगी और ऐसा बायस बना दे कि वो क्यामत के दिन तेरे करीब हो यानी जिन लोगों को मैंने सताया अल्लाह उनको अपने करीब कर लेना क्यामत के दिन ये भी दोहाँग सकता है जिसको एहसास हो कि मैंने सता के गलत किया है। और अब उसका बदला कहा मिलना चाहिए आखरत में अल्लाह के कर्ब की, की शक्ल में इससे बड़ी क्या खैर खाई हो सकती है इंसान किसको सताता है जो उसको सताता है तो आप ऐसे लोगो के लिए दुआ कर रहे हैं यानी जिस पर कोई ज्यादा की गई हो उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए अल्लाह तला हमें अच्छी अखलाकता है वह अखरुदावान सुबह नमदिका अशद्लाबरक